हे गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टेस्टी और जूसी चिकन फ्राई बनाने की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.25 किलो चिकन के पीसेस लिए हैं। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट, हाफ लेमन जूस, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार हमें नमक ऐड कर देना है। कसूरी मेथी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और थोड़ा सा अजवाइन ना हमें क्रश करके ऐड कर देना है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसे ना मैरिनेशन के लिए रखना है 1 घंटे के लिए फ्रिज में। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन और 3 से 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। हल्का सा मैंने ना फूड कलर ऐड किया है, फूड कलर डालना ऑप्शनल है। 2 से 3 बड़े चम्मच हम ना पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिलाएंगे और तेल गर्म होने के बाद हमें चिकन को फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए। तो चिकन फ्राई बनकर तैयार है।